मुझे मेरे मेन पार्ट मेल पार्ट पर वाइट पैच है, क्या ये कुछ प्रॉब्लम है? ये मुझे काफ़ी पेशेंट्स कॉल करके कॉल मी फॉर से पूछते हैं, उनको इस तरह का प्राइवेट प्रॉब्लम होता है और उनको हिचकिचाहट होती है डॉक्टर से बात करने में, लेकिन मुझे कॉल करके ये उनकी परेशानी बताते हैं तो मैं उनको ट्रीटमेंट भी बताती हूँ। पेनिस के ऊपर अगर वाइट कलर का पैच हो जाए तो इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन कंडीशन होता है वो एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे में हम लोग मेडिसिंस देते हैं, एंटी फंगल मेडिसिंस देते हैं, टैबलेट्स देते हैं, मलम वलम से कुछ नहीं होता, टैबलेट्स देते हैं, 6 से 7 दिन का एक कोर्स कराते हैं जिससे वो जो वाइट पैच है वो कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में वो वाइट पैच धीरे धीरे बढ़ के पिनाइल अल्सर भी हो सकता है, तो अगर पिनाइल अल्सर होता है तो ये एक्सट्रीमली सीरियस कंडीशन है एंड इट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन। इमीडिएटली आपको एक सर्जन से मिलना चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए। कुछ केसेस में वाइट पैच जो होता है कुछ दिनों के बाद वहाँ पे छोटे छोटे मसे जैसे आते हैं, तो ये एक तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, एक तरह के वॉट्स है, तो ये वायरल डिजीज़ होती है जो सेक्सुअल रिलेशंस के बाद होती है। इसका भी इलाज है, सबसे पहले तो वो जो वॉट्स होते हैं इसको हम लोग क्रायो सर्जरी से उसको निकाल देते हैं और फिर मेडिसिन का कोर्स देते हैं जिससे वो कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में और भी ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो सकता है जैसे HIV वगैरह, तो ऐसे में भी जो स्टार्ट होता है तो उसमें स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है कि पेनिस के ऊपर सफ़ेद कलर का पैच होता है, तो इसलिए अगर आपको किसी भी तरह का वाइट कलर का पैच अगर आपको हुआ है तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको पेनिस के ऊपर वाइट कलर का पैच है, पानी जैसा डिस्चार्ज निकल रहा है, रेडनेस हो गया है, इचिंग हो रही है वहाँ पे, पूरा रेडनेस हो गई है, दर्द हो रहा है, पेशाब करने पर रुक रुक के पेशाब हो रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, एकदम गर्म पेशाब हो रहा है, तो ऐसा कोई भी कंडीशन होता है तो इमीजिएटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ओके।